हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी कौर। मेरे चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पत्ते गोभी और आलू की भुजिया की रेसिपी। तो दोस्तों, हम इसमें जो है कि बगैर मसाले के बनाएंगे, इसमें हम कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पत्ता गोभी की भजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पत्ता गोभी लिया है और पत्ता गोभी हमारा 200 ग्राम है। तो जो है कि अगर एक हम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता, तो मैंने उसे कट करके आधा लिया है। और एक मैंने टमाटर लिया हुआ है मीडियम साइज का, 3 मेरे पास आलू है और थोड़े से धनिया के पत्ते हैं। तो हम क्या करेंगे कि आलू को हम कट कर लेते हैं। तो आलू को हमें कैसे कट करना है और भजिया बनाने के लिए, ना तो बहुत मोटा होगा और ना तो बहुत पतला होगा, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आलू को हमें ऐसे करके ऐसे ऐसे पीस में हमें आलू को कट करना है, इस तरह से। तो हम आलू को इस तरह कट करेंगे। अब पीस बहुत बड़ी भी नहीं होगी, बहुत छोटी भी नहीं होगी, बिल्कुल मीडियम। हमें इस तरह के सारे आलू को कट करना है। तो मैं इस तरह सारे आलू को कट कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने आलू को कट कर लिया है। तो इसे हम साइड में रखते हैं। मैं दिखा देती हूँ कि पत्तगोभी को कैसे काटना है। तो हम पत्तगोभी को बिल्कुल मेन मेन काटना है, इस तरह से। इस तरह से हमें पत्तगोभी को बिल्कुल मेही मेही से काटना है। और ये बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसानी से अच्छे से कट भी जाते हैं। और टमाटर को जैसे हमने आलू को काटा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम टमाटर को भी कट करेंगे। तो हम पूरी पत्तगोभी को इसी तरह हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने पत्ते गोभी को भी काट लिया है। तो अब इसे हम साइड में रखते हैं। तो हम टमाटर को किस तरह से कट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो टमाटर को भी हमें मेही मेही ही काटना है, बहुत बड़े बड़े नहीं काटने हैं। देखिए, मैंने टमाटर को भी काट लिया है। तो मैंने सारे वेजिटेबल को काट लिया है। तो अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो हम इसके अंदर तेल डालेंगे। तो मैं यहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो तड़का हम जीरे का लगाएंगे। तो मैं आधा चम्मच यहाँ जीरा ले रही हूँ। जीरा को रोस्ट होने देते हैं। हमारा रोस्ट हो गया है, तो यहाँ मैंने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च मैंने 6-7 हरी मिर्च ली है। ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तभी अच्छा लगता है। तो अब इसके अंदर हम हरी मिर्च भी डाल के लेते हैं। हरी मिर्च हमारी रोस्ट हो चुकी है, तो ये जो हमने आलू काट करके रखे थे, अब इसके अंदर इसे भी डाल करके हम मिक्स कर लेते हैं। आते हुए हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसे जो पत्ता गोभी को डालेंगे, जो पत्ता गोभी हमने काट के रखा हुआ था, इसके अंदर हम पत्ते गोभी को भी डाल कर इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसके लीड लगा देते हैं कि थोड़ा सा पत्ता गोभी हमारा सॉफ्ट हो जाए। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखा है। लीड हटा करके हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, 2 मिनट मैंने इसे ढक करके पकाया है और ये देखिए, काफ़ी हमारा पत्ता गोभी सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं मटर। तो एक फ्रेश मटर है, सीजनी है, ताजी है, इसको भी इसके अंदर हम डाल करके मिक्स कर लेते हैं। इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर 1 चम्मच, थोड़े से अब ले लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम मसाले इसमें ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये सूखे बनते हैं और ये ड्राई रहते हैं। इसमें कोई मसाले नहीं पड़ते, बस हल्दी पाउडर और बहुत ही थोड़ा सा मैं यहाँ ले रही हूँ, छोटा स्पून है गरम मसाला। इससे ज़्यादा हमें इसमें मसाले ऐड नहीं करने हैं। और इसी वक्त इसमें मैं डाल रही हूँ नमक।
और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे और इसे डाल करके हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है, मीडियम फ्लेम पे हमें इसे धीरे धीरे पकाना है, गैस की फ्लेम तेज नहीं करनी है। और ये जो है कि पत्ता गोभी है तो पानी छोड़ती ही है, फिर इसे हम चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसे मिक्स कर लिया है और इसमें कोई और मसाले नहीं पड़ेंगे, बस इतने ही मसाले इसमें डाले जाते हैं। और इसकी लीड लगा लेते हैं हम और इसे ढक करके ही हम पकाएंगे। तो लीड हटा करके हम चेक करते हैं इसे। अभी काफ़ी हमारी सब्जी जो है कि सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने टमाटर लिया हुआ था एक बड़े साइज का, तो इसके अंदर इसे भी डालेंगे और डाल करके इसे हम मिक्स कर लेते हैं। टमाटर भी हमारे जो है कि हम इसे ढक के पकाएंगे तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो नमक मैंने डाल ही लिया है इसमें और इसके कवर लगा करके इसे हम पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे चला लिया है, चलाते हुए मिक्स कर लिया है और ये देखिए नीचे नीचे भी पानी छोड़ रहा है। और आलू भी हम चेक कर लेते हैं कि आलू हमारा पका है कि नहीं। तो ये देखिए आलू भी हमारा पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम खोल के पकाएंगे, इसका ढक्कन हम अब नहीं लगाएंगे क्योंकि जो नीचे थोड़ा थोड़ा सा पानी है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और करीब करीब हमारी जो है कि भाजी बनकर के तैयार ही है। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारी धनिया की पत्ती। तो यहाँ मैंने ढेर सारी धनिया की पत्ती ली हुई है और इसके अंदर हम इस पत्ती को भी डाल देंगे और इसे डाल करके हम मिक्स कर देते हैं। देखिए सब्जी हमारी जो है बन करके तैयार है, इसमें बिल्कुल पानी की नमी नहीं है, सब्जी हमारी बिल्कुल ड्राई हो गई है और बन करके तैयार है। तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ, आपको दिख रहा होगा। और इसे मैं आपको सब करके दिखाती हूँ कि ये सब्जी कितनी टेस्टी बनी हुई है। आप जो है कि इस तरह से पत्ता गोभी की सब्जी बना करके खा सकती हूँ। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ इस सब्जी को आप खा सकते हैं। इसे आपको सब करके दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये मसाले वाली सब्जी नहीं है, ये भजिया है। इसमें मैंने सिर्फ एक मसाला जो है कि यूज किया है और हमने इसमें कोई मसाले नहीं डाले हैं और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों में, फैमिली में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा कि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो अगली रेसिपी लेके अगले दिन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।